दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन 4 के दौरान नाई की दुकान, स्पा और सैलून बंद रहेंगे, जबकि सभी दिल्ली वासी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों में रहेंगे। हालांकि इस दौरान जरूरी सामान की सप्लाई में शामिल लोगों की आवाजाही होगी। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 के दौरान टैक्सी और कैब चलाने की अनुमति दी। हालांकि टैक्सी समेत सभी 4 पहिया वाहनों में केवल 2 यात्री को बैठाने की अनुमति होगी। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करे कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके उतना घर से काम किया जाए। इसके अलावा दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन और इवन स्टाइल में। दिल्ली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोले जा सकते हैं, लेकिन उनमें दर्शकों के प्रवेश को अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्य की भी अनुमति दे दी, लेकिन इसमें वही मजदूर काम करेंगे जो इस समय दिल्ली में है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बसों को चलाने की अनुमति है, लेकिन एक बार में केवल 20 यात्रियों के साथ, जबकि बस में सवार होने से पहले यात्रियों की जांच की जाएगी। परिवहन विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि सभी बस स्टॉप और बस के अंदर सामाजिक सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जाए। दिल्ली में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा की अनुमति होगी केवल 1 यात्री के साथ। केजरीवाल ने कहा कि विवाह समारोह में 50 लोग तो अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में भवन निर्माण कार्य और सामान ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही को अनुमति होगी। दिल्ली में 31 मई तक धार्मिक सभाओं की अनुमति नहीं, तो स्पा सैलून भी बंद होंगे। इसके अलावा दिल्ली में मेट्रो ट्रेन, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। वही रेस्टोरेंट होम डिलीवरी के लिए खुल सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में डाइनिंग सेवा की अनुमति नहीं है। एग्रीगेटर्स के लिए कार पुलिंग या कार शेयरिंग की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहनों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन पीछे की सीट पर किसी को बैठाकर यात्रा करना प्रतिबंधित होगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में कोई गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज में कमेंट करके जरूर बताएं।